लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और अब नजर देश दुनिया की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन COP13 का सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घुमंतू प्रजातियों के संरक्षण पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत जलवायु संरक्षण, स्थायी जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवन और पर्यावास का संरक्षण भारत की संस्कृति में शामिल है और हम सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए देश भर में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर मौजूद थे। कॉप 13 पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो ये थी देश दुनिया की खबरें, आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।